हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम यू लिमिट के बारे में जानेंगे। यू लिमिट जो है किसी भी फील्ड पर हम अप्लाई कर सकते हैं किसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यू लिमिट हाइफन ए, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी के लिए भी अनलिमिटेड या फिर कुछ लिखा, जैसे कि ओपन फाइल्स आप देख सकते हैं। ओपन फाइल जो है 1024, यानी कि कोई भी आदमी 1024 1024 ओपन फाइल्स एक साथ रख सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लॉगिन किया हुआ है जॉन नाम से, तो अगर मैं यहाँ पे यू लिमिट हाइफन एन, किसी इंडिविजुअल के लिए अगर हमें यू लिमिट चेक करना है तो हम लॉगिन करके यू लिमिट हाइफन एन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि 1024 इसकी वैल्यू सेट है। तो कोई भी यूज़र के लिए बाई डिफ़ॉल्ट यह 1024 जो है ओपन फाइल्स कर सकता है। लेकिन अगर हमें इसे चेंज करना है, मान लीजिए कि हमें कोई भी फील्ड हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन फाइल्स का आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर हमें समझ लीजिए चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें एक फ़ाइल एडिट करनी पड़ेगी जो है VIETC सिक्योरिटी लिमिट्स डॉट कॉन्फ। इस फाइल को जब हम एडिट करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा सारी डिटेल्स। तो हम यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देंगे जॉन के लिए। फॉर एग्जांपल हम जॉन के लिए एडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉफ्ट या हार्ड लिखना पड़ता है। मैं सॉफ्ट लिमिट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नो फाइल। अब ये जो 1024 था मैं इसको चेंज करके 4096 कर देता हूँ, और अगर मैं अब इसको सेव कर दूँ तो कंफर्म करते हैं कि ये एडिट हो चुका है करके। ये देखिए एडिट हो चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ जॉन के यूज़र के पास, लेकिन ये अभी भी हमें नहीं दिखा रहा है, अभी भी 1024 ही दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा, एग्ज़िट करना पड़ेगा। एग्ज़िट करने के बाद मैं दोबारा लॉग इन करूँगा जॉन यूज़र से। अब की बार अगर मैं चेक करूँगा, ये देखिए 4096 सेट हो चुका है। अब यूज़र जॉन जो है वो 4096 ओपन फाइल्स एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। तो ऐसे हम किसी भी यूज़र की यू लिमिट चेंज कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।